राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्र ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के उपाय। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। संयोग से इसी दिन होली भी है। ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग महत्व होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण लगना एक सामान्य सी भौगोलिक घटना है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है पूर्णिमा की रात राहु और केतु चंद्रमा निकलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। साथ ही ये भी कहा जाता है ग्रहण के दौरान तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। इस अवधि में धरती पर कई तरह की नकारात्मक किरणें पड़ती हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन पूजा पाठ करने के लिए जोर दिया जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें इस दिन करने की सलाह दी जाती है ताकि चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव ना पड़ सके। इसके साथ ही इस दिन कुछ विशेष चीज़ों को दान करने के बारे में भी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे चमत्कारी दानों के बारे में बताया है जिसे करने से चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव होली पर नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दान करने वाली। सबसे पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के उपाय के बारे में। होली के दिन लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका प्रभाव भी यहां पर नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए इसे बचने के लिए कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है इस दौरान गुरु ग्रह के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप फलदायी होता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान महामंत्रोदय मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। तो चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी का उपयोग करें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए खाने में तुलसी के पत्ते डालना चाहिए। माना जाता है कि इससे भोजन अपवित्र नहीं होता है और ग्रहण के बाद इन्हें खाया जा सकता है। खाने में तुलसी के पत्ते डालने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन दूर्वा घास का भी उपयोग करें। ग्रहण के दौरान दूर्वा घास का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और शुभ कार्यों में दूर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। दूर्वा घास ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचाता है। दूर्वा को भी ग्रहण लगने से पहले खाने और पानी वाले सामान में रख दिया जाता है। दूर्वा घास सूर्य से निकलने वाली हानिकारक नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके साथ ही इस दिन गंगा जल का उपयोग करें। सनातन धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, इसीलिए ग्रहण के दौरान गंगा जल का प्रयोग बहुत ही शुभ होता है। ग्रहण के बाद गंगा जल डालकर स्नान करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव कम होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर से गंगा जल को शुद्ध करना चाहिए। तो इन उपायों को करके आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। और आप जानते हैं चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का दान करना है। इसके लिए तिल का उपयोग करें, तिल दान करें। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के समय कई अशुभ और बुरी शक्तियाँ जाग जाती हैं। इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए ग्रहण के समय लोग दान पुण्य भी करते हैं। तिल भी ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करता है। ग्रहण लगने से पहले तिल खरीद कर रख लें और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें। फिर पूजा के बाद इस तिल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ग्रहण के बाद तिल का दान शुभ माना जाता है, इससे राहु केतु शांत रहते हैं। इसके अलावा इस दिन आप दूध का भी दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है, ऐसे में इस दिन दूध का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ग्रहण पर इसका दान करने से इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। साथ ही धन की देवी यानी माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा मिलती है, तो दूध का दान जरूर करें।
इसके साथ ही इस दिन आप चावल का दान करें। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही धन और व्यापार बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान करने के बाद इस बात का खास ख्याल रखें कि इसका जिक्र किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें, और इसके साथ ही इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद कपड़ों का दान जरूर करें, ऐसा करना बेहद फलदायी होता। मान्यताओं के अनुसार यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो इस दिन मोती और चांदी का दान करना भी अच्छा होता है। जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये थे कुछ विशेष उपाय और दान। आप भी चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इन उपायों को आजमा सकते हैं और इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। आपसे दोस्तों आप इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आज्ञा चाहते हैं। आप और आपके पूरे परिवार को रंगों के उत्सव होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे फिर से मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। होली के पर्व को एंजॉय करें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारी से परेशान है, जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।